अगर कहीं गाड़ी रोक ले तो ये दिक्कत है। तो सर अभी सियाटन वाला जो थाना है छावनी वाला वहां पर पदस्थ है इंदौर में, और मेरे काफी करीबी मित्र भी है, साथ का हमारा संघर्ष रहा है, पर सर आज इस जगह पे और मैं यहाँ पर तो मैं भी खुश हूँ अपनी जगह, और सर भी इस पोस्ट से बहुत ज्यादा खुश है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इनकी जो जर्नी रही है इनके बारे में ये खुद बताएंगे। एमपीएसआई में आने के पहले ये फॉरेस्ट में भी जॉब करते थे, फॉरेस्ट में कितने साल करेंगे, 9 साल फॉरेस्ट में भी जॉब की, और उसके बाद एमपीएसआई की वैकेंसी के अंदर सिलेक्ट होना और जॉब पे रहते हुए तैयारी करना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको जानकारी देना सर बताएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये माइक का पूरा कार्यभार सर संभाले, बहुत अच्छे वक्ता भी है, बहुत अच्छा बोलते भी है और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुनना चाहोगे पक्का, कैसे तैयारी की, कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको बता देंगे, ठीक है। तो जो होता है वो किसी बार होता है, उसके लिए तैयारी अपनी रखो मेरे हिसाब से कि
आपको एग्जाम देने के बाद ऐसा ना लगे कि आप एक कबीर है। हो सकता है कि एग्जाम के बाद कुछ लोग शादी हो जाए, कुछ लोग प्राइवेट जॉब करने लग जाए। सबसे अच्छा समय यह है कि तैयारी कर रहे हैं, 100% देना चाहिए। मोबाइल मतलब जो भी अच्छा चीजें है कि वो जरूरत नहीं पड़ती। अब तैयारी कैसे करना, अब ये देखो इसका हर किसका स्टेप अलग अलग रहता है। मैं बता दूं कि मैंने 12 घंटे तैयारी की तो आप लोग देख लो, आप अपने हिसाब से करो। मैं बोल दूं मैंने 16 घंटे की, भाई कोई आदमी का माइंड 4 घंटे उतना कवर कर लेता है, कोई आदमी 16 घंटे भी नहीं कर पाता। किसी का डेली शेड्यूल अलग है, कोई रात को पढ़ना पसंद करता है, कोई सुबह सुबह उठ के पढ़ता है। तैयारी तो मेरे अपने हिसाब से, बस जुनून होना चाहिए। जैसे आपके भोपाल चले, आपको पता नहीं कि 11 बजे तक पढ़ाने के बाद 5 बजे उठ के दौड़ने जाते हैं, तो मना करता रहता हूँ तब भी जाते हैं। ये जुनून ऐसा होना चाहिए कि नींद ना आए। ज्यादा बड़ी बातें नहीं कहता, आती भी नहीं आती। अब्दुल कलाम ने बोला था एक बार कि सपने वो देखना चाहिए जो सोने नहीं देते। सोते हुए देखना कि बहुत बड़ी चीज नहीं, कोई भी देख लेगा, बीमार आदमी भी देख लेगा। सो लिए, सुबह उठे, व्हाट्सएप चलाया, कोचिंग गए, आ गए, सो गए, ऐसे में बहुत सारे लोग तैयारी करते। सिलेक्शन लेना है तो अंदर से जब एग्जाम पर जाते हैं ना तो इतना कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए कि आपने बहुत तैयारी की है। आता के बहाने मिलने से अच्छा है कि पेपर खराब था, तब था, सबके लिए होता है, कोई तुम्हारे लिए अलग से नहीं आया। जुगाड़ चल गया, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ते, बोल तो नहीं हो। दूसरी बात ये कि अपने आप को नेगेटिव फ्रेंड मत रखो। मैं ये नहीं बोलता कि दोस्त बनाओ होना चाहिए, पर कम या फिर जो ही बहुत अच्छे हो उनको बनाओ जो तुम्हें ज्ञान दे। ये नहीं करें आप वैकेंसी आगे रहिए, जब आएंगे तब करेंगे, उसमें आरक्षण चल रहा है, 14% मिल रहा है, ये अपना काम नहीं है, इसमें तुम कुछ कर भी नहीं पाओ। कितना भी बोल रहे हो आप लोग स्टूडेंट का अपना काम सिर्फ पढ़ने का, तुम ना आरक्षण भी कर पाओगे ना पैसे चलेंगे तो कुछ कर पाओगे। अगर पैसे देने वाले होते तुम लोग पढ़ भी रहे होते, तब छोटे सोरे से आते हैं तो सबसे सफलता का सबसे मूल मंत्र है कि हार्ड वर्क। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं। ढूंढने जाओगे ना 20 क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन एग्जाम में कोई 20 क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना। पीए तो हो जाता सिलेक्शन, वाइड लिमिटेड चीजें रहती व्यापक या पीएससी में ऐसी एग्जाम लेना है उसके पास किसी भी कंप्लेन के लिए कोई जगह नहीं। आपको अपना 100% देना, एक्स्ट्रा देना है। बहाना अपन सिर्फ अपने आप के लिए करना, वो सिर्फ आपका फ्यूचर खराब करेगा और किसी का कुछ भी बिगड़ेगा। और आपने बोला कि यार तो सिलेबस से बाहर आ गया, इसको बहुत चिल्ला दे रहा हूँ, क्या होगा, नौकरी उनकी थोड़ी जाएगी, तुम्हारी जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। यार मेरा तो ये कहना है कि तैयारी ऐसी करो कि एग्जाम देने जाए तो अलग ही कॉन्फिडेंस रहे। आपने सुना बिहार के लड़के जब यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं कभी चप्पल में चले जाते हैं, टी शर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि वो इतनी जिद्दी टाइप के रहते हैं। आपके आसपास कभी देखा हो बहुत जिद्दी रहते हैं, बदमाश भी रहते हैं, जिद्दी भी रहते हैं, वो जिद को रखना पड़ेगा। जिद के बिना अपन सोचेंगे यार मैं खेत में भी घूमे आऊँ, गाँव भी जाकर जाऊँ, त्यौहार भी मना लूँ, शादी भी मना लूँ और तैयारी भी कर लूँ, तो सब एक साथ होता नहीं। तब तक कुछ चीज़ें छोड़ोगे नहीं, कुछ चीज़ें मिलेगी नहीं। अपन सोचेंगे सब इसी में चलता रहे और सब कुछ मिल जाए तो नामुमकिन तो नहीं है, हो सकता है किसको मिल भी जाए, पर मुश्किल बहुत है। आप भी कहानी सुना पाओगे, कुछ छोड़ोगे हमेशा जीवन में बुरी चीजें याद रहती है जो तुमने तकलीफ झेली, अच्छी चीजें कभी नहीं। मेरे को नौकरी के बाद एक दिन याद है कि मैंने क्या किया, नौकरी के पहले तो मुझे बहुत सारी चीजें याद। हम एक बार किराया बचाने के लिए वहां होल्कर स्टेडियम था, होल्कर स्टेडियम से पैदल रेती मंडी गए थे, किराया बच जाए वहां से बसते जाएंगे, ट्रिक पर बैठ के जाएंगे, ये चीज अभी तक याद है मुझे 7-8 साल रुपए एक बार मैच हुए तो मैच देखने आए। जीवन में अच्छी चीजें कभी नहीं याद है, हमेशा जीवन में कड़वे अनुभव ही आते तो वही अच्छी चीज है। ये मत सोचो कि आप लोग मर्सिडीज से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, पैदल चलने वाला भी तो बाइक पे आएगा ना, बाइक इसलिए तो बनी है। अगर आप लोग इस गर्मी में यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोग कुछ करने के लिए बैठे। मैं भोपाल में आपके साथ किसी की दीवार से नहीं बैठा, अपने दम पे बैठा है। अगर रोके रोके बढ़ जाता है कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो कितने लोग किसे पढ़ा पाता है। तो आप लोग किसी ने मान मार के भेजा है कि जाओ मेरे से पढ़ो, किसी को अच्छा लगता है ना, तभी तो इतनी भीड़ बढ़ी है। इतने कमरे में कोचिंग पढ़ाता है ऐसे 10x10 कमरे में 5-6 हजार, हमारे पास भी नहीं है। सबका फ्यूचर अलग अलग लिखा रहता है,
और मेरे नौकरी लग गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सफल, या इसकी नहीं लगी तो ऐसा नहीं कि असफल है। अभी देखते जाओगे इसका मकान है, घर है, मेरे पास मकान भी नहीं। कहने का मतलब ये कि असफलता करना नहीं चाहिए, तो बोले नहीं चाहिए असफल में तो बोलता। अब तुम्हारे पास समय भी नहीं कि अगले वीकेंड से आई फिर तैयारी कर लेंगे, तो अनुभव से सीखने का समय तुम्हारे पास नहीं है। तैयारी को इतनी बेहतर करना चाहिए कि ना आपके घड़ी देखने का टाइम मिले, ना मोबाइल देखने का टाइम मिले, ना घर वालों से बात करने का टाइम। बहुत भयंकर चित्र करना, इसका कोई रास्ता नहीं। सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं, सब पढ़ो, उस पर मेहनत अच्छी होती है। और बताओ और क्या सिलेक्शन कर सकते हैं? सीरियस मैटर हो गया क्या? बहुत दिन से मैं गया मेरी कोचिंग में, युवक कुछ बता था, हो सकता है लंबा चल गया स्पीच। जो बता देंगे वो ये सोचते हैं कि जो हम भी तैयारी करते हैं तो अच्छा लगता है, जैसे कोई आके रनिंग करते हैं तो अच्छा लगता है, एक गुस्सा आता है, जैसे देख के मुझे चार लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, अरे यार नया लड़का बन गया है, ऐसा एक अजीब सा गुस्सा आता है। उस गुस्से से अगर आपको दो क्वेश्चन भी याद हो गए तो मेरा आना सार्थक हो जाता है ना, आपने तो मोटिवेशनल स्पीच देती रहती है। फॉरेस्ट में तो यार भाई बहुत रेस्ट रेस्ट के लिए होती है, फॉरेस्ट टाइम ही टाइम था मेरे पास। दूसरा बात मेरी थोड़ा बोल बात के यहाँ करवा लेता हूँ, ऑफिस में डिपो में था तो समय तो बोलता क्या, समय के लिए कोई मैंने स्पेडल नहीं किया अधिकारी थोड़े। हाँ सर, तेरह में आने में एक मेरे कोचिंग की टीम थी तो तेरह में, बाकी सेल में आपको तो पढ़ाई भी अच्छी करना है, रनिंग भी अच्छी करना है, आपको फिजिकल आने वाला करना है, और मजबूती चाहिए। फिर पुलिस की एग्जाम के लिए नहीं, पटवारी की भी अच्छी एग्जाम आती है, पटवारी भी आ रही है। आप लोग तो ये मानो कि अगला आठ महीने अच्छी मेहनत कर लो, वैकेंसी नहीं आ रही इसके होने से कुछ नहीं होगा, जो लोग बैठे रहेंगे ना वो बैठे रहेंगे, आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे रास्ते। तैयारी ऐसी कर लो कि जब भी एग्जाम देने जाए तो आपके अंदर से ऐसी आवाज आए कि मैं जब एग्जाम देने जा रहा था तो मैं कागज के लिए रुक गया था, मुझे आपका कागज सही नहीं है वोटर आई डी, आधे घंटे में गर्म आउट हो गया था, मुझे मालूम था मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, तैयारी करके जाता हूँ ना देख अलग कॉन्फ्रेंस आता है, अच्छा लगता है। एग्जाम सब देना चाहिए मेरे हिसाब से, किसी एक एग्जाम के भरोसे बैठना अनुभव देती रहती है कुल मिला। और बताओ कि जो पूछना पूछ लो, अभी फ्री बैठा हूँ मैं, आप पुलिस फ्री रहती नहीं है, बताओ हो गए आप थोड़ी बात अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप? इंटरव्यू कैसा क्या रहता है? इंटरव्यू बहुत अच्छा है, अच्छे का मतलब यह है कि इंटरव्यू में सोच के मत जाओ, जितने दो इंटरव्यू दिए थे 15 में दिया था, 16 में दिया था, 15 के इंटरव्यू मेरे बहुत अच्छा पढ़ के गया था मैं, जैसे कि आपने पूछ लिया कि भाषा विज्ञान क्या है, बीए का एक सब्जेक्ट है भाषा विज्ञान, अब बीए का अपन वैसे ही करते हैं प्राइवेट क्या था दो चार क्वेश्चन और पूछे अच्छे बताओ, मुझे लगा 7-8 नंबर मिलेंगे पर मुझे 5 ही नंबर मिले थे, इस बार मैं और इंटरव्यू खत्म ना पूछे। वो इंटरव्यू तुम्हें डराने के लिए होता, देखो तुम्हारा ज्ञान का कोई इंटरव्यू से लेना नहीं है, ज्ञान तो तुम्हारा एग्जाम में ले लिया जाता है, सब क्लिक करके जा रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम ज्ञानी हो,
तो ज्ञान चेक करने के लिए इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू सिर्फ वो इसके लेते हैं कि तुम एक वक्त में क्या कर सकते हो, उसको बोलते ना कंडीशनल डिसीजन। पुलिस की नौकरी में यह हमेशा होता है, कंडीशन के अनुसार डिसीजन लिया। तो मान लो रास्ते में गाड़ी गाड़ी तो रुकती होगी सब लोगों की, आप लोग सब लोग जानते हो पुलिस आधी गाड़ियां छोड़ देती है, आधे ऐसा बोलते हो कि सोशल पर लेके छोड़ देती है, आधे ऐसा बोलते हो कि यार आपको गरीबों को पकड़ लेते हैं। एक्चुअली पुलिस को कभी सोच नहीं है चालान बनाने का, कभी चुराहे पे खड़ा होकर चेक करने का, तुम भी बनोगे तुम्हें पता चल जाएगा। कोई पुलिस वाला चाहता है कि चुराहे पे किसी की गाड़ी होगी, किसी भी व्यक्ति की गाड़ी रुकी जाती है तो एक घंटा लगाता है कम से कम इतना दिमाग लगाने में कहाँ कहाँ शक्ति उपयोग कर सकता हूँ, रिश्ता को फोन लगाएगा, नेता को फोन लगाएगा, विरोध जो भी जुगाड़ लगता है आपको सब लगाते हैं। पांच सौ जब से जाना निकालना रहता सब भी होता है किसी आप भले कई बार बोलते हो आपको सौ रुपये देकर पचास रुपये मांग रहा था पुलिस वाला, कोई पुलिस वाला पचास रुपये नहीं होता। आप अगर एक भी व्यक्ति मुझे इतने बता दो जिसने ये चाहते से बोला होगा सर आप पांच सौ रुपये रखो चालान काट दो, और उस पुलिस वाले बोला कि नहीं पांच सौ मत दो मुझे दो सौ दे दो तुम चले जाओ, ऐसा कोई है क्या? हम पहले दुकान तलाशते इस फॉर्म में काम हो जाए, पचास में हो जाए, दो सौ में हो जाए, भ्रष्ट कौन है? जनता नहीं है, हमारे भूल में भ्रष्टता बसी हुई है। एक आईपीएस नॉन स्पीकर का इंटरव्यू है, फेसबुक पर शायद मिल जाएगा, उन्होंने कहा कि हम तो बचपन से ही इस वक्त बोल रहे हैं बच्चे को दुकान पर भेजना है चॉकलेट खरीदने के लिए तो उसको एक अलग से देना पड़ता है कि चॉकलेट को भी खा लेना देते हैं ना। अगर किसी को कुछ एक बच्चे घर छोड़ के जा रहे हैं तो उसको घर पर अलग से लेके जाओ, ये रिश्वत होगी ना, अपने खुद में बसी हुई रिश्वत। हम खुद नहीं जानते कि हम ईमानदार बने, कोशिश करके देखना कोई पांच सौ रुपये तत्काल निकाल देना, फिर अगर कोई बोले तो मुझे बताया नंबर लेना मेरे कि सर मैंने पांच सौ दिए थे और इन्हें सौ रुपये वापस कर दिए और चालान भी नहीं काटा, ऐसा होगा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। दूसरी बात रही दस गाड़ियां छोड़ दी जाती है, ये होता है कंडीशनल, एक आपको नौकरी करना है वर्तमान में नौकरी इतनी लगने से ज्यादा करना कठिन, ये मैं तुम्हें इसलिए भी बता रहा हूँ तुम लोग तैयारी कर रहे हो, तुम डिमोटिव करना चाहते हो, ठीक है, हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए परीक्षा के लिए, और नेगेटिव फ्रेंड से इसीलिए दूर होना चाहिए कि तुम्हारा मन को खराब नहीं करे, अच्छी मैगजीन पढ़ो, अच्छी इंटरव्यू पढ़ो, बहुत सारा अच्छा आइडिया रखो, इनकी बातें अच्छी लगे। नेगेटिव बात बहुत सारे बोल रहे हैं दिमाग खराब कर जाएंगे, अरे नौकरी लगती नहीं है, पता चल जाता है, आर्थिक चलती है, आरक्षण चलता है, इन चीजों में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ही पास का बोल निकल जाएगा, शादी हो जाएगी, काम करने लग जाओ। ज्यादा सबसे बड़ा अपना फोकस होना चाहिए तैयारी पे, तैयारी इंटरव्यू हो, परीक्षा हो, कोई भी हो, इंटरव्यू में कोई अच्छे नहीं पूछते, तुम्हारे बैकग्राउंड पूछते हैं, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी चाल चाल, तुम क्या सोचते हो दिमाग में, क्योंकि वो जो इंटरव्यू ले रहे ना वो अपने से बहुत पूछने लगे लोग रहते हैं। आप लोग अपनी एज अगर 20-25 साल हो तो आप किसी व्यक्ति को देख के 10% पहचानते हो, समझ जाते ना कि कितना अच्छा है, वो तो अपने से बहुत ज्यादा एजेंट रहते हैं और बड़े भी ज्यादा रहते हैं, अनुभव बहुत ज्यादा रहता है, वो हाल समझ जाते हैं कि इसमें कितना पानी है, तो पूछ के कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हुए हल्का सा ये चेक करते हैं तुम्हें याद की है कि नहीं। मेरा 2016 का इंटरव्यू इतना खतरनाक बिगड़ा था, मुझे लगा था कि 3 नंबर मिले, मुझे 7.5 नंबर मिले, भी पता नहीं कैसे थी उसने जुगाड़ लगाया था, जुगाड़ तो इतना है अपने पास, आप लोग यहाँ पे दिमाग मामला के लोग हो तो वही होना दिक्कत, अपना काम ज्यादा मेहनत करने का है, तो अपने क्षेत्र का वर्चस्व होना चाहिए, नौकरी बहुत कम है, बजाय उन लोगों से मिलने का कि जो यहाँ तैयारी करके वापस चले गए, नौकरी लगती डिफेंस कराती है, नौकरी लगती है, कर भी लगे लोग आपके आसपास के बहुत सारे लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव रखो अपने आप को, जीत रखना पड़ता। यहाँ पर मैं हमेशा इनको बिजी रखता हूँ, से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कभी मैंने किस किताब के किस क्वेश्चन के दिए, कभी किसी के 40, कभी किसी के 70 प्रश्न दे दिए, तो मैं इसलिए इनको होमवर्क नहीं देता कि मैं खुलास निकालू इनसे कि ये घर पे रहते हैं तो सवाल करें या कहीं घूमने नहीं जाए, इसका मतलब ये होता ना कंटिन्यूटी में रहते, पहले आप 2 घंटे पढ़ो या 4 घंटे पढ़ो और कंटिन्यूटी में सिलेक्शन मिलता है,
और आप इंदौर की किसी भी कोचिंग में जाओ जहां पर होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क चेक किया जाता है, चेक नहीं करने पे उस तरीके का पनिशमेंट भी दिया जाता है, इंदौर में शायद कहीं नहीं। और मैं ये जानता हूं कि जिस दिन आप पूरा यहां से पढ़ चुके होंगे तो इंदौर की किसी कोचिंग की औकात नहीं होगी कि वहां पे नोट्स के हाथ भी पकड़ पाए। मैं आपको इस काबिल बनाना चाहता हूँ और ये भी मैंने आपसे वादा है, मैं इनके लिए बेस्ट टीचर लेकर आया हूं सर। जैसे हिंदी में और इंग्लिश में बच्चों को समस्या होती है, मैं हिंदी के लिए इंदौर से ऐसा टीचर लेकर आया सर जो हिंदी में पीएचडी है और काफी समय से पढ़ा रहा है। मैं इंग्लिश के लिए इंग्लिश का ऐसा टीचर लेकर आया है जो इंदौर का सबसे अनुभवी है, 22 साल हो गए जब इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते। और मैंने ये सोचा कि हिंदी इंग्लिश के ऊपर अगर इनकी कमांड अच्छी हो गई तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी सितारे बहुत जल्द खिलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है ये लोग मेहनत अच्छी करते हैं पर मैं इनके सामने इनकी तारीफ करके इनको चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाऊंगा। सिलेक्शन देंगे दोगे नहीं दोगे तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ने का इनका तरीका भी अलग है, क्योंकि यहाँ पर लड़का हो या लड़की ऐसा कोई होगा नहीं जिसने मैं मार नहीं खाई होगी आज तक। और बहुत अच्छा लगा आपने अपना कीमती समय दिया यहाँ पर, और कैसा लगा आप सभी को? तो मैं चाहता हूँ कि सर का फूल माला से स्वागत किया जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सर एमपीएसआई के पुलिस में भी सिलेक्टेड है जिनका रनिंग भी अभी है, तो मैं चाहता कि उन्हीं स्टूडेंट के माध्यम से मैं आपका स्वागत कराऊं यहाँ पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट है सर यहाँ पर जो भी सुबह फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ये भी जा रहा है, पीछे की पूरी मंडली भी जा रही है फिजिकल की तैयारी पर, उनका उनका फिजिकल भी है सर। तो मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट के द्वारा आपका स्वागत किया जाए। तो रवि और ब्रिलियंट स्टूडेंट है सर यहाँ पर, हम साथ में फिजिकल की तैयारी भी करते थे तो हम हमारे हिसाब से करते थे, पर हमने मेहनत की कि वहां पे दुर्भाग्य रहता है कि बोलते ना किस्मत, सही। और ये देंगे सर मेरा ये वादा है आपसे कि जिस भी दिन अगर एमपीएसआई का एग्जाम हुआ तो ये भी मेरा आपसे वादा, आप लिख के ले लीजिएगा कि मेरे से ज्यादा कोई सिलेक्शन नहीं दे पाएगा सर। हम ना स्टूडेंट से टीचर बने, पढ़ा पढ़ा के पढ़ पढ़ के, तो थोड़ा बहुत अनुभव है कि स्टूडेंट कहाँ पर कमजोर पड़ता है, कहाँ इसको मजबूत किया जा सकता है। अभी मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग डिमोटिवेट हो चुके थे लाइफ से, कहीं ना कहीं परेशान हो जाता व्यक्ति, तो मैंने सोचा कि सर को लाया जाए आपके बीच में ताकि आप ये समझो कि एक व्यक्ति है जो फॉरेस्ट के अंदर जॉब कर रहा, 8 साल जॉब करने के बाद प्राइवेट बीए करने के बाद एमपीएसआई के अंदर सिलेक्ट हुआ, उसके पहले वो फेल हो चुका था एक बार, 15 वाली एग्जाम में एक बार इंटरव्यू देके बाहर हो चुके थे, तीन बार फेल हो चुका। तो वो व्यक्ति लगा रहा कंटिन्यू, क्या सिलेक्शन तो मिलेगा, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि जीत थी। आपने एक बात तो बोल भी किया होगा शायद, चाहे घर भी हो या कुछ भी हो, जैसे मैंने इनसे जब मैं इनसे बात करता था तो मैंने देखा था, तो बोले यार ऊपर पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, बोले मैं गर्मी में भी पंखा चालू नहीं करता, गर्मी में भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पंखा मेरे को डिस्टर्ब कर रहा और मेरे को नींद दिला देगा। और जैसे ऑफिस के पीछे का रूम था तो वहां पे जैसे भी अधिकारी जाते उनको पता था कि यहाँ पे संदीप सर पढ़ रहे होंगे, आवाज कोई भी नहीं करेगा, चुपचाप जाते थे वहां पे पानी भरा और चुपचाप पी के आ जाएंगे, कोई नहीं बोले ठीक है आप पढ़ लिए चल बात कर लेते। तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा, अगर व्यक्ति अपने बीवी बच्चे छोड़ के भी साइड में अगर एक कमरे के अंदर लेके पढ़ रहा है, इसका मतलब ये उसने बहुत कुछ सोचा है जीवन में कुछ करने के लिए। और यहाँ पर ये आपको ये लगता होगा सितारे लग गए ये वो, पर इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आप देखो कांस्टेबल बनने के लिए कितना पढ़ रहा हो, आपको तो सितारे बनाने हैं, तो इन्होंने सही कहा कि सपने ना सोते वक्त मत देखो, इसलिए कोशिश करो कि कई रातें वो दिन में कन्वर्ट हो जाए।
मैं अपना बता रहा हूँ, पर मेरे जैसे सिटी के मेरी बहुत एक अच्छी आदत बन गई थी, मैं कंटिन्यू 8 से 10 घंटे कंटिन्यू एक जगह बैठा लेता था, कंटिन्यू एक ही जगह, मैं कहीं रुकता था, भले मैं कोई इमरजेंसी हो कुछ भी, क्योंकि मेरे को जीतती में कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है। और सर ने बताया जैसा होल्कर वाले स्टूडेंट तो थोड़े तो जीत ही रहते हैं, थोड़े तो रहते हैं, तो मैंने तो सोच ही लिया था कुछ करना पड़ेगा। शादी ब्याह कुछ नहीं होता, आप सोचे शादी ब्याह में जाना है, कोई दोस्त की शादी है, घर में शादी है। मैं गया, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भैया की शादी थी और मेरा सीजीएल का इंटरव्यू था, मैंने मेरे भाई की शादी छोड़ दी, और मेरे भाई की शादी है और मैं इंटरव्यू देने गया हूँ, पर रात में पहुंचा हूँ, रात में 9:30 बजे तब तक मेरा भाई फेरा दे रहा था, वहां मैं जाकर खड़ा हो गया। मैं गया ही उस समय, घर वाले सब मैनेज कर रहे, तो यह जीत तो करना पड़ेगा आपको। फिर मैं सोचता अरे यार शादी अटेंड कर लेता, यूं भी तो हुआ नहीं, पर अपने अंदर भी इतनी खुशी की बात की, क्या चलो अपन ये काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ ये है कि हमारा काम पढ़ाने का है, तो हम कुछ नया सीख नहीं पाते, तो आपको नया सीखने के लिए ऐसे योद्धाओं से हम समय समय पर मिलाते रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, और कोई पूछना है आपको? हाँ, और अगर इनको फोन लगाए गाड़ी छुड़ाने के अलावा, और गाड़ी छुड़ाने के अलावा अगर इनको फोन लगाए तो सीधा बोलेंगे 5,000 का काट।